बड़ा कौन है। इस कहानी में एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति के लक्षणों को एक रोचक प्रसंग के द्वारा दर्शाया गया है। यह पाठ मानवीय गुण का समावेश करने में सक्षम है। इस कहानी में राजधर्म की ओर भी संकेत किया गया है। बहुत दिन पहले की बात है, काशी में एक राजा राज करते थे। वे प्रजा को अपनी संतान की तरह पालते थे। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। सभी राजा का गुणगान करते रहते थे। एक दिन राजा ने मन में सोचा, राज्य तो भली प्रकार चल रहा है, प्रजा सुखी है, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। उन्होंने राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझ में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। किंतु वे उनके दोष न बताकर उनके गुणों की ही बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये लोग भय के कारण मेरे दोष नहीं बता रहे हैं। राजा मंत्री के हाथ में राजकाज देकर वेश बदलकर और रथ पर बैठकर राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा था कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि मुझ में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक गए और खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, बल्कि सबने गुणों की प्रशंसा की। तब अपनी राजधानी की ओर रथ फिराने के लिए उन्होंने सारथी को हुक्म दिया। सारथी रथ लौटाकर ले चलने लगा। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौटे आ रहे थे। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसे ढलान पर आ गए कि इधर उधर निकल जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी एक रथ को उल्टा लौटा कर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। कौशल राज के सारथी ने काशी राज के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ में काशी राज हैं। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे रथ में कौशल राज हैं, तुम ही अपना रथ फिराओ। काशी राज के सारथी ने सोचा, ठीक ही तो है, ये भी तो एक राजा है, अब किसका रथ लौटाया जाए। अच्छा, इनमें जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। उसने कहा, तुम्हारी राजा की उम्र क्या है। जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य धन बल और कुल पूछ कर देखा गया कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर काशीराज के सारथी ने सोचा, इन दोनों में जो चरित्र के बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल राज के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। सुनो, कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, शठों के प्रति शठता, पर नीति में कौशल राज निपुण है। थोड़े में बतलाना बहुत कठिन है, इस हेतु हटा अपना शकट, मुझे राह तुम छोड़ दो, करो शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हट छोड़ दो। काशी राज के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल राज के सभी गुण कह दिए। उसने कहा, हाँ। काशी राज के सारथी ने कहा, यदि यही सब गुण है तो अवगुण किसे कहते हैं। उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, यह अवगुण ही सही, तुम्हारे राजा के गुण क्या है, हम भी तो सुने। काशी राज के सारथी ने कहा, सुनो कहता हूँ, क्रोधी को कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश, कृपण मनुज को दान वीरता से वश में करते, अद्वितीय है झूठ को जीतने में सच के बल। यह सुनकर कौशल राज और उनका सारथी सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है, बड़ा तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपने विनय से उसकी दुष्टता को जीत ले।
यही सोचकर उन्होंने काशीराज के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे दोनों रथ से उतर गए। उन्होंने काशीराज को प्रणाम किया और अपने रथ को लौटाकर उनके रथ को रास्ता दे दिया। दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी में चले गए।